हेलो एवरीवन, सो यूपीएससी 2024 इज़ वेरी क्लोज, तो फिर उसके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन वीडियो है। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की 1% भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस वीडियो में एंड पॉइंट पे आपको सोर्स भी बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको सोर्स जो बताऊँगा उससे आपको बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर द केस ऑफ यूपीएससी 2024 प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, किस तरीके से साइंस एंड टेक पोर्शन में कंटिन्यूसली जो टॉपिक्स आए हैं, जो क्वेश्चंस इस तरीके के आए हैं, उसको हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें यूपीएससी की, उसमें भी अगर हम लोग बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन की, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। आप अपने वॉल पे इस टॉपिक्स को लिख लो और हर दूसरे दिन एक टॉपिक को कट करो, आपकी सिलेबस खत्म हो जाएगी विद इन 8 to 10 days। देखो, अगर बात करें तो बायोटेक, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, नैनोटेक, डिजीज, वैक्सीन्स, एजेंट्स, ठीक है, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं, आप किसी स्टेट पीसीएस की मेंस देने जाओ, किसी या फिर यूपीएससी की मेंस देने जाओ, यूपीएससी के प्रीलिम्स देने जाओ, आपको ये टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसको आप फोकस कर सकते हो कंसर्निंग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। ठीक है, अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन पार्ट, देखो मेजॉरिटी ऑफ बायोटेक वाले जो पार्ट पे ना एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा पूछता है। एप्लीकेशन पार्ट कहने का क्या मतलब हुआ कि आखिर मान लो अगर हम लोग किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं उसको, तो मॉडिफाई करने का मेन रीज़न क्या होगा। जैसे एक अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा इधर कुछ महीने पहले, तो एक राइस की एक डिफरेंट जीन क्रिएट किया गया, जिसमें क्या हुआ, क्या होता था ना कि वो जैसे केरल वाले रीजन में जो डाउनसाइड रीजन है, जहाँ पे सॉल्टी वाटर आप कह सकते हो, या सॉल्ट वाटर जो उस राइस तक पहुँच जाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म करता था। ठीक है, तो उससे हम लोग उसको क्या किए, धीरे धीरे जो हमारे एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उसको डेवलप किया कि ये जो राइस होगा वो क्या करेगा, वो आगे चल के सॉल्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब नमकीन पानी भी अगर उसमें आती है तो वो ज़्यादा हैम्पर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके की चीज़ें, जैसे बीटी कॉटन पता होगा, बीटी ब्रिंजल पता होगा। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि कितनी सारी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। ठीक है, तो बायोटेक वाले पोर्शन को जरूर करना। बायोटेक एंड टेक्नोलॉजी में बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो ये समझो, अभी जो एक काफ़ी ज़्यादा रिसेंट ट्रेंड में रहा था, एक तो GM मस्टर्ड और उसके फीचर्स मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग बायोटेक की बात कर लेते हैं, तो बायोटेक में अगर आप देखोगे तो जैसे GM जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड और उसके फीचर्स, देखो एप्लीकेशंस एंड फीचर्स पे ज्यादा फोकस करना। मैं फिर से बता रहा हूं, टॉपिक्स को समझ लो, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस एंड फीचर्स पे ज्यादा फोकस करना। मैं आपको इस वीडियो के अंत में सोर्स भी बताने वाला हूं, सोर्स उतना ही करके चले जाना काफी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, इसको RNAi कहते हैं, एंड एंटी सेंस RNA टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इस पे बेस्ड। फिर अगर बात करें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात करें, ठीक है, एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और भी बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये काफी न्यूज में था। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो किस तरीके से यूपीएससी आपको घुमा सकता है। अभी देखो, सिद्धू मूसेवाला है ना, उनके फादर और उनकी जो मदर है, उन्होंने एक चाइल्ड को बर्थ दिया है। ठीक है, मतलब बर्थ उनकी एक छोटा सा बेबी हुआ है। ठीक है, उस पर बहुत सारे केसेस आए। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, करंट अफेयर में आप उनको जाने भी होंगे किस टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसको लेके आए हैं। तो ये चीज़ें आपको ना करंट के सिचुएशन से फ्रेम करके आपको क्वेश्चंस बनेंगे, और डेफिनेटली बनेंगे, तो उसको आप उसी तरीके से पढ़ोगे, है ना। बहुत ही टिपिकल ओल्ड स्टाइल में मत पढ़ो, मतलब एक साथ कंटेंट उठाए तो कंटिन्यू पढ़ने पड़े जा रहे हैं, ऐसा मत करो। ठीक है, चलो, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तो हो गया, एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2020 में इस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें ACE2 टेक्नोलॉजीज एंड इट्स प्रोसीड्योर्स 2021 में पूछा गया है, इस पर DNA जीनोम्स इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। फिर इसी के तरीके से देखा जाए तो क्रिस्पर के बारे में पता ही होगा, CRISPR Cas9 जो प्रोटीन होता है उस पे पूछा गया है, वैक्सीन पे पूछा ही जाता है, लेकिन अभी हम लोग बायोटेक की बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्टोन
बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे पूछा गया है 2017 में, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो बनाई गई थी 2015 में उस पर एक क्वेश्चन पूछा था, 2015 में ही पूछा था, तो फिर अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारे एग्रीकल्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। फिर जेनेटिक्स ह्यूमन इंड्यूस्ड जो स्टेम सेल्स के बारे में जाने वाली बातें होती हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली, तो आप इसको देखिएगा। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायोटेक वाला पोर्शन, आराम से कीजिएगा, मैं आपको सोर्स बता दूंगा। फिर अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के बारे में बात करते हैं, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी हैकाथॉन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें बिटकॉइन का वर्क करता है, फिर डिजिटल सिग्नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आपको रैंसमवेयर, साइबर अटैक्स, मॉलवेयर्स, इटरनल ब्लू, पेटिया, ठीक है, ये सब पूछता है। फिर एक बहुत ही ज़्यादा, अभी तो देखो मोदी जी काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो आप भाई इसको तो एकदम बसा के जाना आपको, ठीक है। और देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी 2020 में पूछा था एज फार एज आई नो, तो उस पर पूछा गया है, तो ये पढ़ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है आपको सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 में। फिर ब्लॉकचेन पे 2018 में, साइबर सिक्योरिटी पे 2017 में, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2020 में, डिजिटल सिग्नेचर और उसके एप्लीकेशंस 2017 में, ठीक है, वनक्राई, फिर रैंसमवेयर, ये सब पे तो रेगुलर पूछते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। अब अगर और बात करें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक तो समझो, एक तो हो गया नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NFCT, इस पे 2015 में पूछा था। एक याद रखना, जब वो कहा जा रहा था कि दिल्ली मेट्रो एक कार्ड बनाएगी जो आप इन करोगे सीधे गेट खुल जाएगा, मतलब आप कार्ड से वो डायरेक्टली आपको स्वैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ GPS, ठीक है, इंडिया का GPS भी ध्यान देना है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को VLC टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो एक प्रोजेक्ट लून था गुब्बारे वाला, अगर आपको याद होगा तो फेसबुक या गूगल का ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्ट, जो आपके फ़ोन पे लिखा होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, उसके बाद 5G 4G तो भाई बात ही छोड़ दो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, OLED मतलब ऑर्गेनिक LED, ठीक है ना, और उसके एप्लीकेशंस Li-Fi वर्सेस Wi-Fi, ये तो बहुत कॉमन टॉपिक से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्यूबिट, ठीक है, क्वांटम ब्यूट, क्लियर है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें आपको जाननी है, क्लियर है। ये बेसिक हो गया, बायोटेक हो गया, कम्युनिकेशन एंड IT हो गया। अब अगर बात करें नैनोटेक की, देखो नैनोटेक की अगर बात करें ना, नैनोटेक की सीधी सी बात है, देखो नैनोटेक का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक स्पेसीमैन हो गया, उसका एक पोर्शन आप निकाल लेते हो इससे, ठीक है, तो जो ये पोर्शन हम लोगों ने नैनो मटेरियल निकाला ना, वो नैनो मटेरियल मतलब नैनो साइज का है, 10^-9 मीटर के रेंज का है। तो जब आपने इसको निकाला ना, तो ये इसकी और इसकी फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं ना जो डिफरेंट आ गए, मतलब इस दोनों की फीचर्स डिफरेंट वैरी कर गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक ही स्पेसीमैन से जो मैंने नैनो पार्टिकल निकाला है, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ, एक चीज़ से हम लोग चाहें तो मल्टीपल चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर किसी भी नैनो किसी भी एक स्पेसीमैन से अगर नैनो पार्टिकल या माइक्रो पार्टिकल हम निकालते हैं, तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ती है या घटती है, ठीक है, बढ़ेगी या घटेगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नैनोटेक में कार्बन नैनोट्यूब CNT काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज और फिर एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से, नैनो रोबोट सुने होंगे आप, वो कैसे फंक्शन करेगा, जैसे मान लो कहीं पे कैंसर सेल है, आपके बॉडी में एक नैनो रोबोट एंटर किया और उसको खुद सब कुछ पता है, उसमें कैमराज लगे हैं, वो आपको पता है, वो खुद उस लोकेशन पे जाके उस जो डेड सेल होंगे वहाँ पे बम्बार्ड कर देगा। देखो कीमोथेरेपी क्या हो रहा है, कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जैसे मान लो इफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे आपको लेजाइन है, मतलब कहने का ये है कि अगर ट्यूमर है तो बम्बार्ड होगा, ठीक है, रेडिएशंस का, लेकिन ना इस ऑर्गन के साथ जो आसपास के जो नेबरिंग ऑर्गन्स होंगे ना, वो भी इफेक्टेड होगा,
ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट हिट कर नहीं रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को उससे बचने के लिए नैनो रोबोट्स की बात चल रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन फ्यूचर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई करेगा। तो नैनोटेक आपके लिए एक 5-स्टार टॉपिक है, यू कैन नॉट स्किप दिस। फिर आगे वाले टॉपिक की देख लेते हैं, नैनोटेक हो गया। मिसाइल टेक में बात कर लेते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, टाइप्स ऑफ मिसाइल और उसके उसमें जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं उसमें 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2024 वाले भी तैयार रहे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजीजेज, वैक्सीन एंड एजेंट्स। नॉर्मल पीसीएस में भर भर के पूछते हैं इस पे क्वेश्चंस, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। मान लो अगर मैं आपसे बात करूं B12 की डिफिशियंसी से क्या होता है, B6 नियासिन से क्या होता है, B9 से क्या होता है, फिर B2 से क्या डिफिशियंसी क्या होता है, D2 से क्या होता है, D2 स्टैंड फॉर अर्गो कैल्सीफेरॉल, फिर D3 कोल कैल्सीफेरॉल से क्या होता है, इसी तरीके से डी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है। तो ये विटामिन और उसकी डिफिशियंसी एक तो चार्ट मिलते हैं, आराम से कर लीजिएगा और या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सबसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। H1N1 वायरस से पूछा गया है, HIV से पूछा गया है, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी 2023 में इस पे क्वेश्चन पूछा, किस पे पूछा था, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। देखो यार, आप ब्लड बैंक जाना, ठीक है, आप एक चीज गौर करना, ब्लड बैंक में ना मेजॉरिटी ऑफ मेल्स मिलेंगे आपको, उसका रीजन क्या है, देखो इसको ना डिमेंशनल सोचना है, मतलब मेजॉरिटी में बता रहा हूं, ये चीज देखने को मिलता है ना कि वुमेन में ना खासकर इंडिया में ब्लड की बहुत कमी होती है, मतलब खासकर आयरन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, अनेमिया बहुत ज्यादा है। मतलब अगर 100 वुमेन पे आप लोगे और रिसर्च करोगे ना तो उसमें आपको 75% वुमेन आपको एनेमेटिक मिलेंगी, ठीक है। और ये कोई इस तरीके का कोई ड्रामेटिक डाटा नहीं है, ये फैक्चुअल फैक्ट है एकदम, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे सोचना होगा, और एनीमिया जिसमें भी ब्लड की मान लो कि हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन कमी होगी तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन डिजॉल्व जो होते हैं ब्लड में वो कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन डिजॉल्व कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस है आप हमेशा टायर्ड फील करोगे, लो इन एनर्जी रहोगे, मूड स्विंग्स होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को देखना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड वैक्सीन से, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस 2019 में पूछा गया था इस पे। फिर अगर बात करें वायरसेस पे बहुत बार पूछा गया है, फिर कोविड वैक्सीन पे तो हमेशा अब जब आया था तो बहुत ज़्यादा ही कुछ बायोफिल्म्स वैक्सीन्स थे जो मैन्युफैक्चर्ड किया गया था कोविड 19 पेंडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए, उसके बारे में उसके रोल के बारे में, बी सेल, बीटा सेल और टी सेल हमारे ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से काम करता है उस पे। तो ये अभी भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप मत करना, ठीक है। बहुत सारे रिकम्बाइंड वेक्टर वैक्सीन्स होते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया एक बार 2021 में और आगे भी पूछा जा सकता है। कुछ हेरिडिटी डिजीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होते हैं, उसको भी समझना है, ठीक है। कुछ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो माइक्रोबियल पैथोजेंस होते हैं उस पर भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, तो इसको करना है, क्लियर है। तो ये हमारा डिजीज सेगमेंट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लास्ट सेगमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये देखो इससे ज़्यादा मत करना, मैं सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मत करना, और कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पेस की बात कर ले तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, फिर अभी बहुत सारे जो स्पेस में इसरो का गगनयान, ये सब तो नॉर्मल है, बेसिक पढ़ना ही होगा, गगनयान हो गया, मंगलयान हो गया, फिर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, जो मिनिएचर सन, एक आर्टिफिशियल सन की भी कंसेप्ट चल रही है अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब चलो ये तो हो गया, ये सब क्या पूछा जाता है बार बार, आखिर हमें पढ़ना कहाँ से है। देखो सबसे पहले यूज़ करो, देखो जरूरी नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर या करंट अफेयर फॉलो करते हो ना तो आप सिर्फ और सिर्फ विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो कर लेना, या फिर PT 365 फॉलो कर लो, एग्जाम से पहले भी एक आएगा उसको फॉलो कर लेना, मोर देन सफिशियंट होगा, उससे ज़्यादा परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम दे के आओ, देखो एक दो चीज़ इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विजन आईएएस की मंथली फॉलो कर लो या फिर PT 365 फॉलो कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट, ठीक है। और इस बात पे भरोसा रखना, इसमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में बताई है वो आपको कंप्लीटली रिसर्च्ड, मतलब जो पूछा गया है
पास्ट में 2014 या 2012 से लेकर 2023 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आए हैं या फिर जो जिस तरीके के जिस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं उस पर ही बात किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग और सब्जेक्ट की लाने वाले हैं यूपीएससी 2024 के लिए, प्रिलिम्स के लिए जो भी टॉपिक्स आप बोलोगे मैं उसको ले आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट।